जो ट्रांसफरी है यानी जिसको एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया गया है वो नोटिस दे सकती है किसको, डेटर को। यानी ट्रांसफरी के भी पास क्या है, राइट है कि वो डेटर को नोटिस दे सकती है कि ये देखो ये है नोटिस और ये किसमें है, राइटिंग में है, इस पे ट्रांसफर का सिग्नेचर है और ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है तो तुम पेमेंट मुझे करोगे, राइट। वॉइल सर्विंग नोटिस ट्रांसफरी उस नोटिस पे अपना एड्रेस मेंशन कर देगा। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के चैप्टर 8 जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है उसके बचे हुए जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 131, 132, 133 एंड 135, इन चार सेक्शंस को कवर करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हमने सेक्शन 130 को डिटेल में समझा है, तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए सेक्शन 131 जो कि कहता है नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड ड्यूली साइंड बाय ट्रांसफर। सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है और हमने जाना कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसका ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन इन दोनों ही वेज में हो सकता है, लेकिन अगर एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होता है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए और उस पे ट्रांसफरर के साइन होने चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 131 को डिस्कस करने से पहले हमने सेक्शन 130 में ये भी जाना था कि जो ट्रांसफरर है अगर वो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करता है किसी थर्ड पर्सन के फेवर में और अगर वो डेटर को यानी जिससे पैसे लेने हैं उसे नोटिस नहीं प्रोवाइड करता है तो भी क्या है, ये वैलिड है, यानी इट इज अप टू द ट्रांसफरर, ये ट्रांसफरर के ऊपर है कि वो चाहे तो डेटर को नोटिस दे करके ये इन्फॉर्म कर सकता है कि जो एक्शनेबल क्लेम है वो इस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है और तुम पैसे इस पर्सन को ही दोगे। अगर नोटिस नहीं दे रहा है ट्रांसफर तो ये भी क्या है, वैलिड है, राइट। लेकिन अगर ट्रांसफरर नोटिस सर्व कर रहा है किसको, डेटर को, तो कैसे सर्व किया जाएगा, इसे ही बताया गया है सेक्शन 131 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। चलिए तो सेक्शन 131 कहता है नोटिस टू बी इन राइटिंग, नोटिस इसमें होगा, राइटिंग में होगा और वो ड्यूली साइंड बाय ट्रांसफरर होगा, राइट। तो कह रहा है कि ट्रांसफरर इफ नॉट गिवन नोटिस, अगर डेटर को नोटिस नहीं दे रहा है तो भी क्या है, ये वैलिड है, लेकिन इन केस ट्रांसफरर या ट्रांसफरर के बिहाफ में कोई पर्सन जो उसके अंडर ऑथराइज्ड है यानी उसका एजेंट गिव्स नोटिस टू डेटर, अगर डेटर को यानी जो पैसे देने वाला है अगर उसे नोटिस देते हैं कौन, ट्रांसफरर या ट्रांसफरर के बिहाफ में उसका एजेंट, तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए और उस पे ट्रांसफरर के ड्यूली साइन होने चाहिए। लेकिन इन केस ट्रांसफरर इज नॉट गिविंग नोटिस, वो डेटर को नोटिस नहीं देना चाह रहा है ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, किसी भी पर्सनल रीजन के वजह से, तो ट्रांसफरर के बिहाफ में जो ट्रांसफरी है, एजेंट तो ले सकता है लेकिन मान लो अगर एजेंट भी नहीं है और ट्रांसफरर भी नहीं चाहता है टू प्रोवाइड नोटिस टू डेटर दैट एक्शनेबल क्लेम हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय मी इन फेवर ऑफ दैट पर्सन, तब क्या होगा, तब जो ट्रांसफरी है यानी जिसको एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया गया है वो नोटिस दे सकती है किसको, डेटर को, यानी
ट्रांसफरी के भी पास क्या है, राइट है कि वो डेटर को नोटिस दे सकती है कि ये देखो ये है नोटिस और ये किसमें है, राइटिंग में है, इस पे ट्रांसफर का सिग्नेचर है और ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया है तो तुम पेमेंट मुझे करोगे, राइट। व्हाइल सर्विंग नोटिस ट्रांसफरी उस नोटिस पे अपना एड्रेस मेंशन कर देगा, क्लियर है। तो इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 131 ऑफ टीपीए। चलिए सेक्शन 132 क्या कहता है, कहता है ट्रांसफर इंक्लूड्स लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम। यानी सेक्शन 132 कहता है कि जब कभी भी एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर होगा ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफरर के जो भी राइट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, ऑब्वियसली ट्रांसफरी को, क्लियर है। ओके सेक्शन 133 क्या कहता है, देखो ये कहता है वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेटर। जो ट्रांसफरर है वो वारंटी देगा रिगार्डिंग सॉल्वेंसी ऑफ डेटर टू ट्रांसफरी, ठीक है। यानी ट्रांसफरर सॉल्वेंसी का वारंटी लेगा किसके, डेटर के, व्हाइल ट्रांसफरिंग एक्शनेबल क्लेम इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करते समय जो ट्रांसफरर है वो डेटर के सॉल्वेंसी की गारंटी लेगा उस दिन तक जिस दिन वो एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं फ्यूचर इज अनसर्टेन। आज एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो कल हो सकता है कि उस लिस्ट में भी ना रहे, टॉप 10 में भी ना रहे। तो बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन तो जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफरी को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करते समय उस दिन तक जो डेटर है उसके सॉल्वेंसी की गारंटी लेता है, ठीक है। ओके तो ये है सेक्शन 131, सेक्शन 132 एंड सेक्शन 133, क्लियर है। चलिए अब हम सेक्शन 135 को भी देख लेते हैं। सेक्शन 135 क्या कहता है, सेक्शन 135 ये कहता है असाइनमेंट ऑफ राइट्स, असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। अब यहां पे स्पेसिफिकली फायर इंश्योरेंस के बारे में बात किया गया है। ये सेक्शन ये कहता है कि मान लो इफ फायर इंश्योरेंस इज क्लेम्ड ऑन अ प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर फायर इंश्योरेंस क्लेम किया गया है, इफ फायर इंश्योरेंस इज क्लेम्ड ओवर अ प्रॉपर्टी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, और वो जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फायर इंश्योरेंस क्लेम किया गया है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। तो ये कहता है कि उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप तो ट्रांसफर होगा ही, साथ ही साथ वो जो फायर इंश्योरेंस का क्लेम है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये कहता है अलोंग विथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्लेम ऑफ फायर इंश्योरेंस ओवर द प्रॉपर्टी
will get transferred to that person. तो ये था सेक्शन 131, 132, 133 और सेक्शन 135. और एक और वीडियो जिसमें हम एक्शनेबल क्लेम जो सेक्शन 3 के तहत है और ये जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम है इसे मर्ज करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अगर आपको अदर लॉ सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.